जय श्री हरि। युद्ध में मरने से क्षत्रिय को उत्तम गति की प्राप्ति होती है, यही विषय है। आपको ले चलते हैं, शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं। गर्ग संहिता में युद्ध हो रहा था, उसी का उल्लेख किया गया है कि वहाँ कैसे कैसे स्वर्ग की अप्सराएं आईं। तो आइए दिखाते हैं 31 से 34 श्लोक, अध्याय 29, अश्वमेध खंड, गर्ग संहिता। आकाश में खड़ी विद्याधरियां, गंधर्वियां और अप्सराएं छात्र धर्म का पालन करने वाले मृत अतएव अब देव रूप से विद्यमान वीरों को वरण करने लगी। पति प्राप्ति के लिए उनमें परस्पर झगड़ा होने लगा। वीरों को देखकर वे विह्वल नारियां कहने लगती थी कि यह वीर मेरे लायक है या तेरे लायक नहीं है। हे राजन, कुछ धर्मात्मा रणभूमि से नहीं हटे। वे सूर्यमंडल को वेद कर विष्णुलोक चले गए। कुछ वीर उस भीषण महायुद्ध को देखकर भाग गए थे। वे तप्त बालुका के मार्ग से नरक में चले गए। बंधु, अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं महाभारत से। शूरवीर प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर सभी उपायों से जूझता है और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता है। ऐसा शूरवीर इंद्र के समान लोक का अधिकारी होता है। शत्रुओं से घिरा हुआ शूरवीर यदि मन में दीनता ना लावे तो वह जहाँ कहीं भी मारा जाए अक्षय लोकों को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 92, 31-32 श्लोक, शांति पर, राजधर्मानुशासन पर, महाभारत। अगला प्रमाण महाभारत से ही। जो योद्धा भयभीत होकर पीठ दिखाकर भागता है और उसी अवस्था में शत्रुओं द्वारा मारा जाता है, वह कहीं भी ना ठहर कर सीधा नरक में गिरता है, इसमें संशय नहीं है। युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर के लिए किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए। वह मारा गया शूरवीर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर की और सहस्त्रों सुंदरी अप्सराएं यह आशा लेकर बड़ी उतावली के साथ दौड़ी जाती हैं कि यह मेरा पति हो जाए। 40, 44 और 46वां श्लोक, राजधर्मानुशासन, शांति पर, महाभारत। अगला प्रमाण पराशर स्मृति, अध्याय 3, 38 से 45 श्लोक। लोक में ये दो पुरुष सूर्य का भेदन करने वाले हैं, योग से युक्त सन्यासी और आमने सामने के युद्ध में मरा हुआ। जहाँ जहाँ शूर शत्रुओं से घिरा होकर मारा जाता है वह शाश्वत लोकों को प्राप्त होता है, यदि वह कायरतापूर्ण भाषण नहीं करता। विजय से लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मरने से सुरांगनाओं को। क्षणभंगुर श्लोक में युद्ध में मर जाने से क्या चिंता, जो सेनाओं के भाग खड़ा होने पर और इधर उधर दौड़ जाने पर जब त्राता बनकर उनके पास जाता है तो वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जिसका शरीर बाण शक्ति रिष्टि और मुद्गरों के द्वारा घावों से जख्मी है, देव कन्या उस वीर की स्तुति करती हैं और उसका मन बहलाती हैं। युद्ध में मरे शूर की ओर हजारों देवांगनाएं और नाग कन्याएं इस कामना से दौड़ती हैं कि ये मेरा पति बने। युद्ध में तपे हुए जिस वीर प्राणी का रक्त ललाट प्रवेश से बहकर उसके मुख में प्रवेश करता है, संग्राम रूपी यज्ञ में वह उसका सोमपान के तुल्य है। यह ऋषियों का विधिपूर्वक किया हुआ विचार है। इस लोक में स्वर्ग की कामना करने वाले ब्राह्मण लोग असंख्य यज्ञों, तप और विद्या के द्वारा जहाँ जैसे तैसे करके पहुँचते हैं। उत्तम युद्ध में प्राणों का त्याग करने वाले वीर लोग वहाँ क्षण भर में ही पहुँच जाते हैं। अगला प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति से। जो भूमि के लिए युद्ध में परांगमुख न होकर तथा विष से बुझे अस्त्रों से नहीं लड़ते, वे मारे जाने पर जैसे योगी स्वर्ग जाते हैं वैसे ही स्वर्ग जाते हैं। अपनी सेना के भग्न हो जाने पर भी जो पीछे नहीं भागता उसके आगे बढ़ने के प्रत्येक पग यज्ञ के तुल्य होते हैं, और जो परांगमुख होकर मारे जाते हैं उनके पुण्य को राजा ग्रहण कर लेता है। 324-25 श्लोक, आचार अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो बंधुओं, आप भी किसी से डरे नहीं, यदि आप युद्ध में मारे गए तो वीरगति को प्राप्त होंगे, और यदि बच गए तो राज्य के साथ साथ सुख भोगेंगे और अपनी कीर्ति का भी आनंद लेंगे। यही बात गीता जी ने कही है। धन्यवाद। जय श्री हरि।